मध्य प्रदेश की पांच बड़ी खबरें। इंदौर सांसद शंकर लालवानी की गाड़ी का खंडवा में चालान काट दिया गया। वे यहां लोकसभा उपचुनाव के संबंध में आए थे। इस दौरान करीबी के यहां भोजन करने चले गए। उनकी गाड़ी में हूटर एवं नेम प्लेट लगी हुई थी। गाड़ी नो एंट्री में खड़ी थी। इसे आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए ट्रैफिक इंचार्ज ने 1500 रुपए का चालान काट दिया। वाहन को लॉक करते देख सांसद के करीबी भड़क उठे। इसके बाद सांसद लालवानी बाइक पर बैठकर रवाना हो गए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के जहांगीराबाद में प्रदेश के पहले मॉडल सीएम राइज स्कूल में बीते 10 दिन से लाइट नहीं है। इसके कारण बिजली से चलने वाले कंप्यूटर रूम, स्मार्ट क्लास और डिजिटल ब्लैक बोर्ड बंद पड़े हैं। 40 दिन में तैयार इस स्कूल को 5 विभागों के अधिकारियों की निगरानी में तैयार किया गया था, लेकिन 10 दिन बाद भी लाइट ठीक नहीं होने से अब व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। मध्य प्रदेश में दुर्गा उत्सव और दशहरे को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। नवरात्रा शुरू होने में सिर्फ 3 दिन बचे हैं। हालांकि सरकार ने 1 सितंबर को ही धार्मिक आयोजनों को लेकर आदेश जारी किए थे, जिसमें चल समारोह, पंडाल की साइज, सांस्कृतिक आयोजन आदि को लेकर पाबंदियां लगाई गई थी। इस हिसाब से गरबा और चल समारोह आदि नहीं निकाले जा सकेंगे, लेकिन इस पर अंतिम फैसला डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट द्वारा ही लिया जा सकेगा। छिंदवाड़ा में सड़क हादसे में जान गंवाने वाले सब इंस्पेक्टर विनोद शंकर यादव के कुछ बैचमेट्स ने मिसाल पेश की है। विनोद की 13वीं पर रविवार को बैचमेट्स पहुंचे। उन्होंने विनोद की पत्नी और बेटे को 9,13,000 रुपए का चेक भेंट किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वे विनोद की जगह पूरी नहीं कर सकते, लेकिन पूरे 200 बैचमेट्स उनके परिवार का हिस्सा हैं। मध्य प्रदेश के 37 जिलों में डीजल भी 100 रुपए के पार पहुंच गया है। भोपाल, इंदौर और जबलपुर में 1-2 दिन में डीजल शतक लगा सकता है। मध्य प्रदेश के 4 बड़े शहरों में से ग्वालियर में पहले ही डीजल के भाव 100 रुपए से ज्यादा हो चुके हैं। राजधानी भोपाल में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 110.88 रुपए पहुंच गई है। 9 दिन के भीतर 1.25 रुपए बढ़े हैं। वहीं डीजल के रेट 100 के करीब पहुंच चुके हैं।